सलगा पंचायत के पूर्व मुखिया लीलावती देवी ने लगभग 600 समर्थकों के साथ दाखिल किया नामांकन पत्र। बडिया प्रखंड से संवाददाता लोकुश पांडे की रिपोर्ट। झारखंड में पंचायत चुनाव के चौथे चरण में होने वाली मतदान को लेकर सभी पंचायतों में चुनाव की सरगर्मी की काफी तेज है। नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। जीत के दावे और विकास के वादे के साथ चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं प्रत्याशियों ने। अपने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और नियंत्रण असम संपर्क कर रहे हैं। चुनावी रणभूमि में हर दिन जीत हार की दावे की जा रही है और विरोधियों को मतदान देने की नई नई राजनीतिक बनाई जा रही है। दावों और दावों के शोर पंचायत की गली गली में गूंज रही है। इसी कड़ी में गुरुवार के दिन बडिया प्रखंड आरजेडी अध्यक्ष नवल किशोर यादव ने पत्नी लीलावती देवी सलगा पंचायत के पूर्व मुखिया ने गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ अपना 500 अधिक समर्थकों के साथ अंचल कार्यालय बडिया पहुंचे, जहां की निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों के बीच सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ पहुंचाकर काम करूंगे और क्षेत्र की जनता विकास करने वाली हो जिताएंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत के सभी धर्म के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव प्रचार और पुरुष महिला एवं युवा सभी वर्ग के भरपूर साथ मिल रहा है।